नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि कर्नाटक में जो विवाद था, कर्नाटक में हिंदू बेटे ने जिसने हिजाब का विरोध किया था, जिनका नाम था हर्षा, उनकी हत्या कर दी गई। किसने किया? हिजाब गैंग वालों ने। आप देखिए कि जब हिजाब का विवाद शुरू हुआ था तो इस देश में बहुत सारे लोग उनका मौलिक अधिकार बता रहे थे, धार्मिक अधिकार बता रहे थे और महिलाओं का और बेटियों का अधिकार बता रहे थे। और ये कह रहे थे कि जो एक लड़की थी जो हिजाब पहन करके आई थी, बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे और कुछ लोगों ने उन्हें भगवा गुंडा भी कह दिया था। आप मुझे बताइए, यदि भगवा गुंडे होते तो क्या वो लड़की सुरक्षित वहां कैंपस से जा पाती? नहीं जा पाती। लेकिन इतने लड़कों के बीच से वो लड़की सुरक्षित चली गई, लेकिन जिस लड़के ने उस लड़की का विरोध किया था, उस बुर्का वाली या हिजाब वाली लड़की का विरोध किया था, उसकी हत्या कर दी गई। इस देश में दो तरह के जिहाद है, एक है सॉफ्ट जिहाद और दूसरा है हार्ड जिहाद। हार्ड जिहाद वो जो खुलकर के काम कर रहे हैं, जो दंगा फसाद और उन्माद कर रहे हैं, जो लोगों का कत्ल कर रहे हैं। और सॉफ्ट जिहाद वो है जो मीडिया में बैठे हुए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने बैठे हैं। हार्ड वाले अपना काम कर रहे हैं, उन्हें जो टारगेट दिया गया है इस्लाम के नाम पर, वो उस काम को करने में लगे पड़े हैं। जबकि सॉफ्ट वाले उनको बचाने के लिए एक लोबी लगा बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा नहीं भटके हुए लोग हैं, इससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। मान लिया मैंने कि 5% 10% 15% भटके हुए लोग हैं, तो बाकी के जो 85% समझदार हैं, वो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वो उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? हिजाब के लिए जो पूरा उन्माद फैल गया था, जो अधिकार की बात हो रही थी, जो सारे के सारे हंगामा खड़ा कर दिए थे, अब वो लोबी कहाँ चली गई? अब वो क्यों खामोश हो गए उस लड़की को जो मासूम से बता रहे थे, इतने लोगों के बीच से सुरक्षित गई और उन लोगों को, यानी जो भगवा साल लड़े हुए थे, उनको गुंडा करार दिया गया। अगर वो गुंडे होते तो वो चली गई बच के, लेकिन जो गुंडे थे, जिन भगवा वस्त्र धारण करने वालों को, ये जिहादी सॉफ्ट जिहादी जो मीडिया में बैठे हुए हैं या फिर पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने काम कर रहे हैं, अब वो खामोश हैं। आज सवाल देश के सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहा है, जिसे हर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम की जानकारी रहती है और वो हर अपने सारे काम रोक करके सबसे पहले उनकी सुनवाई शुरू कर देता है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि योगी सरकार उन सभी मुसलमानों के पैसे वापस करे। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज तक ये नहीं कह पाया कि जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए, मुसलमानों ने उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया और उन्हें बेघर कर दिया, और इसी दिल्ली के, जहां पर हमारे देश की कानून यानी कि सर्वोच्च न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट स्थित है, इसी दिल्ली में वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं। लगभग 30 साल का वक्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसके पास कोई ऐसा समय है जो इन सब कामों को बंद करके वो तुरंत फौरन आदेश से कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा आदेश जारी करे कि तुरंत प्रभाव से कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन जायदाद वापस की जाए और उन जिहादी गैंग को, जिन लोगों ने ऐसा किया था, उन्हें तुरंत प्रभाव से दंड दिया जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद जिसका इमाम था अहमद इमाम बुखारी, जिस पर 65 ऐसे गंभीर केस थे, जिसे कि बहुत ही साजिशन अपराधी केस थे और उसको तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यकता थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस इमाम को जल्द से जल्द जेल में ठूसने की जरूरत है। तो उस वक्त की कांग्रेस सरकार शीला दीक्षित की, उन्होंने एक लेटर लिखा और ये कहा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो दिल्ली जल जाएगी। और 10 साल से अधिक का वक्त बीत गया उसके बावजूद भी, फिर भी कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हाई कोर्ट को आदेश नहीं दिया या फिर वहां की प्रशासन व्यवस्था को आदेश नहीं दिया कि आप इसको तुरंत फौरन आदेश से गिरफ्तार करो। देश में कोई एक ऐसा मुस्लिम केस हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत दर्द हो जाता है और उस पर स्वतः संज्ञान ले लेता है। लेकिन आज जो हिंदू हर्षा है, जिसकी हत्या हिजाब गैंग ने कर दिया, इस पर सुप्रीम कोर्ट कब अपना मौन रूपी मुंह खोलेगा?
और कब इस पर स्वतः संज्ञान लेगा और कब इस पर आदेश जारी करेगा। ये देश के हिंदू जो हैं टकटकी लगाए बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं। यानी जिन मुसलमानों ने CAA के दौरान देश की प्रॉपर्टी चलाया उनके पैसे वापस करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सीरियस केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मुसलमानों के साथ जाती है यानी जो देश जला रहे हैं आप उनके खिलाफ सख्त एक्शन मत लो, लेकिन जिन हिंदुओं को बिना किसी वजह के मार डाला जा रहा है इस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई वक्त नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेक केस आए तो जो आज हिंदू हर्षा के साथ हुआ है इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट कैसे देगा? क्या स्वतः संज्ञान लेगा? और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है ये तो उसका अपना काम है, लेकिन जो देश के हिंदू हैं जो 5000 सालों से सनातनी परंपरा में जी रहे हैं, भाईचारा के झूठे पाखंड में सोए हुए हैं, उनको अब अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। जिनको ये लगता था कि सारे धर्म एक जैसे हैं, सभी आ जाओ रहो हमारे साथ रहो, आज आपको अपना तौर तरीका बदलने की ज़रूरत है। अगर सारे धर्म एक जैसे होते तो हिजाब पहन कर आने वाली लड़की सुरक्षित चली गई और तुम्हारे ही उस देश का लड़का जो भगवा पहन के उसका विरोध किया उसकी हत्या कर दी गई। अगर ये सब एक जैसे ही है तो फिर ऐसा अत्याचार क्यों? ये जो तुम झूठे भाईचारे के पाखंड में सोए हुए हो इससे कोई दूर दूर तक भाई और चारे का संबंध है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ही संबंध है भाई और चारा। उनकी लड़की भी अकेले आएगी तो सुरक्षित चली जाएगी और यहाँ हिंदू लड़का भी होगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद होता है उस पर जिस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों पर तुरंत संज्ञान ले लेता है उसे देखकर कैसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है। हर काम और हर फैसला हमारा कोर्ट करेगा तो उन्हें अपने कोर्ट के जो चेहरे हैं वो भी आज देखने की ज़रूरत है। लेकिन हिंदुओं की हो रही हत्याओं पर ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई वक्त होता है और ना ही स्वतः संज्ञान लेने के लिए उसके पास कोई ज़रूरत होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जिन लोगों को लगता है कि नहीं हर काम कोर्ट या न्यायालय करता है वो कितने ही दोहरे मापदंड के हैं। CAA के दौरान देश जलाने वालों के पैसे वापस तुरंत होने चाहिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो देश जला सकते हैं क्योंकि वो एक विशेष धर्म यानी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों को अपने अधिकार के तहत रोकने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। कब सुनवाई करेगा और कब तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ आदेश जारी करेगा ये देखने वाली बात है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर और चैनल के सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।